सो वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बार्सिलोना ने हरा दिया है 5-0 यंग बॉयज को और बहुत इंपॉर्टेंट विन है आई थिंक इट वॉज एन इजी विन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं था उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं बट ये इंपॉर्टेंट विन है इजी विन है लेकिन इंपॉर्टेंट विन है बिकॉज वो जो मोनाको वाला मिसहैप हुआ था और इसके बाद गेम जो है चैंपियंस लीग के अंदर बाइन के अगेंस्ट है तो अगर आपने टॉप एट में फिनिश करना है तो यू हैव टू विन काइंड ऑफ गेम्स जो 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 यंग बॉयज के अगेंस्ट है कन्विंसिंगली राइट right? तो सबसे पॉजिटिव चीज दिखी कि हमें काफी अरसे से बार्सलोना के अंदर नहीं दिख रही थी देखिए कॉम्प्लिकेटेड मैचेस तो क्लोज जाएंगे कभी शायद आप अच्छा भी खेलेंगे उसको तो हमें देखना पड़ेगा लेकिन जो इस तरह के मैचेस आपको याद हो तीन चार साल पहले तक पांच साल पहले तक उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो बारशाला कन्विंसिंगली इस तरह की टीम्स को तो आराम से जो है वो हंसते हंसते हराती थी और ये आज देखने को मिला तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है आज के मैच में यह है कि बारशाह ने बड़े आराम से ये वाला गेम मैनेज किया और प्लेयर्स को कुछ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी मिला उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी मिला तो दैट इज ऑल पॉजिटिव लेकिन यार साथ साथ ना मैं एक चीज एक्सप्लेन लाजमी करना चाहूंगा कि दिस यंग बॉयज टीम बाकी यंग बॉयज थे भाई Uh, कोई क्वालिटी नहीं थी अः uh, मतलब ना बैकलाइन के अंदर कोई क्वालिटी थी ना मिडफील्ड में ना फिर फिनिशिंग के अंदर फाइनल थर्ड के अंदर कोई क्वालिटी तो क्वालिटी थी नहीं बारसा इन क्रूज कंट्रोल जिसका क्रेडिट बारसा को भी जाता है लेकिन आप सबको पता है और हमने अभी तक जितने भी आठ नौ मैचेस देखे हैं लालीगा के अंदर देखे हमने मोनोको गेंस दैट इज मोर क्वालिटी वहां पर थोड़ा सा तंग पड़ते हैं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखे आज फॉर्मेशन जो है वो ऑन द बॉल ही थी ना बार्सोना मोस्ट ऑफ द टाइम बार्सोला के पास बहुत ज्यादा बॉल थी तो आपको सेटअप सिंपल सा था दो सेंटर बैक थे और वो भी ओपोजिशन में मतलब ओपोजिशन के हाफ के हाफ में घुसे हुए थे ठीक है और पेड्री और कसाडो काइंड ऑफ डबल पेविड खेल रहे थे लेकिन इतनी ज्यादा फ्लुइडिटी थी प्लेयर्स इंटरचेंज कर रहे थे पोजिशन तो इट इज वेरी हार्ड टू टेल जब इतना ज्यादा कंट्रोल हो कि सिंगल पेवेट था या डबल पेवेड था बट मोस्टली एज अटैक जब बॉल होती थी तो, आ, आ, कसाडो और जो हैं, वो मिडफील्डर्स खेलते थे लेकिन जब आप बॉल तो अगर, तो अगर कसाडो की साइड से है सॉरी कुबारसी की साइड से है तो कसाडो डीप आते थे बॉल लेने बट आपने कितनी दफा देखा होगा कि भाई आ, लेफ्ट साइड से बाल्डे फिर फेरन टूरस लेमडोस की रफीनिया कुंडे और लमीन आपको सारे के सारे एक लाइन अटैकिंग लाइन के अंदर नजर आ रहे थे क्योंकि भाई फुल कंट्रोल था और बादशाह बहुत अच्छा खेली और पोजेशन रखा साथ साथ चांसेस भी क्रिएट किए दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट मतलब पोजेशन ही सिर्फ रखना जरूरी नहीं है आपने चांसेस भी क्रिएट करने हैं लेकिन आ... इट इज़ी फॉर बार्सिलोना लेकिन साथ साथ जैसे मैंने मेंशन किया कि भाई, ने थोड़ी बहुत सब्सिट्यूशन करनी शुरू की और दूसरे प्लेयर्स को जो है वो चांस दिया तो वहां पर थोड़ी सी उनके पास जो है अपॉर्चुनिटी मिली वरना जो है यंग बॉयज की तरफ से भाई कुछ भी नहीं था तो अगर हम प्लेयर के प्ले बा, प्लेयर बाय प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर हम डिस्कशन करें देखिए इनाकी पहना कुछ जैसे मैं अब इनाकी पहना को इस गेम में जज नहीं करूंगा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था क्योंकि कुछ था ही नहीं राइट वो एक ही ऑफ साइड का गोल था ठीक है वही था तो मैं इनाकी पैना को इस गेम में जज नहीं करूंगा हाँ कुबारसी इनिगो मार्टिनस की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी ऑब्वियसली भाई निगो मार्टिनस ने गोल स्कोर किया असिस्ट भी दिया तो भाई ही uh, uh, बहुत अंडर प्लेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं वो बार्सिलोना के लिए अब हम बात करते थे ना पहले कि भाई अगर राहू आएंगे या क्रिस्टनसन आएंगे तो वो इनिगो मार्टिनस की जगह खेलेंगे ठीक है लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी कि निगो मार्टिनेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे वो आएंगे तो परफॉर्म करेंगे तो शायद कुबारसी की जगह खेलें तो कुंडे खेले, के लिए जगह खेलें लेकिन निगो मार्टिनेस बहुत इम्पोर्टेंट है बारसूलों के लिए क्योंकि लेफ्ट फुटेड है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी एरियल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है है वो बिल्कुल पिन पॉइंट रहती है। तो निगो मार्ट का बहुत अच्छा गेम था कुबारसी और सबसे अच्छी बात है कुबारसी को रेस्ट भी मिल गया आज के थर्टी मिनट रेस्ट मिल गया तो कुबारसी का भी बहुत अच्छा गेम था कुंडे का एज ऑलवेज भाई बहुत डिसेंट गेम था बहुत अच्छा गेम था फिर जब हैक्टर फोर्ट आए तो कुंडे जो है वो सेंटर बैक आ गए हैक्टर फोर्ट के भी पंद्रह बीस मिनट जो है काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे इसलिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था और आज आपने वो 20 मिनट देखे भी होंगे जो है गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं और डिफेंसिवली भी वो ज्यादा अच्छे हैं तो अगर आपने आप हेक्टर आप फोर्ड को यूज करें या तो आप लेफ्ट साइड पे अगर आपने नहीं करना है जिरा मार्टिन जब आप यूज करते हैं तो अपने राइट साइड पे भी करना है तो कुंडे को सेंटर बैक करें भी कर सकते हो राइट पेटर फोर्ट तो आपका कंट्रोल आ जाता ठीक है एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती जो कि डोमेंगस बहुत स्ट्रगल कर रहे थे थ्रू आउट दाइनटी मिनट्स तो ये चीज जो लास्ट वीडियो के अंदर रिव्यू के अंदर थी तो वाज डीसेंट आई थिंक बाल्डे वाज डीसेंट कहीं ना कहीं एक दो ओकेजन के ऊपर डिफेंसिवली थोड़ा सा वो आ, शार्प नहीं दिखे बट आज थोड़ा सा आपने देखा होगा कि फाइनल थर्ड के अंदर बॉल्स दो तीन क्रॉसेस बहुत अच्छे दिए थे एक ऑन गोल भी हुआ था देखिए कसाडो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर और मैं बार बार ये बात कहता हूँ और जब सबसे ज्यादा जो डीप थे ना जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया जब फ्रेंकी भी आए तो फ्रेंकी भी

मैं हमेशा से ये कह रहा हूं जैसे मैंने हटर फूर्ड के लिए भी कहा कि भाई अगर कसाडो अवेलेबल है तो कसाडो ही खेलें देखिए कसाडो के पास ना एक तो बॉल प्लिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है उसके पास रिकवरी पेस ज्यादा है से मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा है आपने देखा होगा एक दफा उनके ऊपर फाउल हुआ था और बॉल गिव गिवे की थी बारा एंड वॉज सो क्विक टू टू रिकवर एंड क्लोज द अपोजिशन प्लेयर डाउन तो दैट इज वट इज रिक्वायर्ड राइट तो आई आई सीरियसली बिलीव के भाई अगर आपने फ्रेंकी को द पिच खिलाना है और डीप एक मिडफील्डर खिलाना है तो इट शुड नॉट बी एरी गर्सिया इट शुड बी कसाडो कसाडो वो ब्रिलियंट और आई थिंक वो उनका जो ग्राफ है वो हाई जा रहा है पेड्री भाई वर्ल्ड क्लास ब्रिलियंट मैं जितनी तारीफ करूं उस बंदे की कम है बस सिर्फ एक ही दुआ है जो हमारे वीडियो में करते हैं बंदा इंजर्ड ना हो ही वॉज ब्रिलियंट ऑल्सो फ्रेंकी बहुत खुशी है मुझे 10-15 मिनट मिले ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वो केयरफुल है और डीएम पोजीशन के ऊपर नहीं खेले ये मैंने आप ऑलरेडी दिया इंटरेस्टिंग है तो अब देखते हैं कि फ्रेंकी डियोंग को हंसेफले अगले मैचेस के अंदर किस पोजीशन के ऊपर यूज करते हैं बिकॉज साडो खेल रहे थे डीएम और वो खेल रहे थे हायर अप पिच उसके बाद भाई लमीनमाल को गोल नहीं मिला लेकिन ही वॉज थ्रेट ऑन दैट राइट एंड साइड तो भाई बंदा ब्रिलियंट है और बहुत अच्छा गेम था रफीनिया को गोल गोल मिला ऑलवेज ब्रिलियंट ने दो गोल स्कोर किए ही वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट मूवमेंट बहुत अच्छी थी लिंकअप प्ले बहुत अच्छा था उनका मैं अब बात करना चाहता हूँ फेरन टोरस पे देखे भाई ये वाला गेम है थकी हुई टीम है यंग बॉयज कुछ भी नहीं हो रहा उनसे सब सब एवरी वन इज बॉलिंग आपके पास एक चांस बनता है दो तीन पासिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल ही है आप असिस्ट भी एक अच्छा दे, दे देंगे ना तो आपकी तारीफ होगी बट पैर एंड लेफ्ट भी खेले राइट right भी खेले सेंटर भी खेले लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी तो भाई अगर आपने यंग बॉयज के अगेंस्ट नहीं करना ना ये आपसे नहीं हो पा रहा तो भाई अब चांस मिलना चाहिए फाटी को अब चांस मिलना चाहिए पाओ विक्टर को पूरा गेम स्टार्ट करने का ठीक है ये सिंपल सी बात है और मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म और ज्यादा डिस्कशन में ही नहीं पढ़ना चाहता सिंपल सा मेरा एनालिसिस है पाओ विटर फाटी को फाइनली मिनट्स मिले देखिए आंसू फाटी की अच्छी चीज मुझे पता क्या लगी इससे पिछला और उससे पिछले सीजन के अंदर जाए पिछला तो ब्राइटन में था जब वो चावी के अंडर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था डेस्परेट थे वो पहली गेम से डेस्परेट थे भाई मैंने गोली स्कोर करने ठीक है आज मुझे कुछ कामनेस का है कुछ भी हो सकता है लेकिन ही जस्ट ट्राइंग टू डू द बेसिक्स राइट पास पास वो वो वाला काम कर रहे थे पास जहां पास बन रहा था रफीनिया को बहुत अच्छा वो पास भी दिया उनका उन्होंने आपको याद होगा जो रफीनिया ने क्रॉस मारा था तो मुझे ऐसा लगा आज आंसू फाटी से मुझे ये वाह भाई बहुत ज्यादा कोई वो मतलब

क्योंकि भाई तब भी थोड़ा बहुत डर भरेगा जब आप पांच पांच छे छह बॉयज के अगेंस्ट करेंगे ना तो फिर जो अगली टीम आ रही है ना बाइन आ रही है भूम के ऊपर तो वो सोचेगी यार ये पांच गोल करके बैठे हुए हैं हैं सात गोल करके बैठे हुए समझ रहे हो ना लालिगा के अंदर भी तो हमें थोड़ा सा तैयारी के साथ जाना है तो ये पहले डर होता था ये डर दोबारा बनाना है कैंपनू वाला अब कैंपनू तो नहीं है मंजूई क्या तो खैर भाई बहुत अच्छी विन बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंट थ्री पॉइंट्स इन चैंपियंस लीग और अगला बाइन का गेम है एलोवेज का गेम है लालीगा के अंदर दैट इज इंपोर्टेंट उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है फिर सविया का गेम आएगा बायन का आएगा रियाल अवे आएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगले इंटरनेशनल अगला मैच भी इंपॉर्टेंट है लालीगा में और फिर तीन मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रही है बार्सलोना का सीजन तो गाइज दैट वॉज इट अपना ओपिनियन रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में